हे गाइस नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत ही क्लीशे और बोरिंग है। बेल आइकन दबाइए और द स्क्रीन पत्ती की सारी नोटिफिकेशन पाइए। अब शुरू होने जा रहा है रेस्ट्रॉस कस्बे का सबसे बड़ा मुकदमा। बेइज्जत शर्मा के साथ आपकी अदालत। सर्दियां आ गई हैं। ओहो, सर्दियां आ गई हैं, लेकिन यहाँ ठीक है, हीटर चल रहा है। नमस्कार, आदाब, वेलार मोरगिलिस, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बाप की अदालत में। आज हमारे साथ कटघरे में खड़े होंगे गेम ऑफ थ्रोन के सबसे चहीते पर जीवित किरदार, जिन्हें सातों किंगडम में द हाफ मैन, द इम्प, द छोटू, द चिरकुट, वो छोटा वाला आदमी है ना, के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें गॉड ऑफ टिट्स एंड वाइन्स भी कहते हैं, यानी बबले और दारू के देवता। पेश करते हैं लेनिस्टर परिवार के सबसे छोटे 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 बेटे का तो मुकदमा शुरू करने से पहले आइए स्वागत करते हैं उनका, जो खुद तो कभी बाप बने नहीं लेकिन अनाथ बच्चों को कंधे पर लटकाए पूरी दुनिया के बाप बने फिरते हैं। शब्दों और दरवाजों पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले मिस्टर होडोर। अरे आप तो अपना लड़का लेके आ गए। होडोर, 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 तो होडोर, 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 होडोर भाई साहब हो गया। तो सवालातों का काफिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर से ज्यादा टीरियन लेनिस्टर की निजी जिंदगी पर। बचपन से ही टीरियन लेनिस्टर को ऊंचाइयों को छूने का शौक था। ए, ऐसे लटकने से कुछ नहीं होगा, सरसी से बोलो कॉम्प्लेन पिलाए। ओए, ये तुम क्या पी रहे हो? अरे कुछ नहीं है, कॉम्प्लेन है। ये तो कॉम्प्लेन है। तब से लेकर आज तक टीरियन शराब हाई होने के लिए नहीं, हाइट बढ़ाने के लिए पीते हैं। टीरियन लैनिस्टर के पिता का उन पर पहला आरोप है कि वो एक नालायक औलाद है। आपके पिताजी आपसे पूछते रहे आप बड़े होकर क्या बनोगे, बड़े होकर क्या बनोगे, तो आप बड़े ही नहीं हुए। That's my father's fault. हिंदी में बात कीजिए। वाह! मेरे बाप के जो शुक्राणु थे, उस शुक्राणु की समस्या की वजह से मैं बड़ा नहीं हुआ। और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी अपने बाप के हिसाब से नहीं जी सकता था। ये सब तो क्लीशेज हैं, कई बार सुन चुका हूँ, थ्री इडियट्स में, उड़ान में, मुगले आजम में। सालों ने बाप की बात ना मानना अपने आप में एक जॉनर बना दिया है। आपके बाप ने सिफारिश लगाकर आपको वॉल पर भेजा, पर उस पर चढ़कर आपने उन्हीं के अरमानों पर मूत दिया। आखिर बाप थे तुम्हारे, कुछ तो चिंता होती होगी। अरे कोई चिंता विंता नहीं होती थी उसे मेरी। कमीना मुझसे बोलता था अलमारी के ऊपर चढ़कर तीर निकालो, और जब मेरा हाथ नहीं पहुंचा तो सारी जिंदगी मुझे तहखाने बेचकर पैखाने साफ करवाए। टॉयलेट तो मेरे पिताजी ने भी मुझसे साफ करवाए थे, पर मैंने तो कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। तो आप ही क्यों? अरे क्योंकि आप नालायक हैं। अबे निकम्मे हैं। सुनेगा? नाकारा हैं। कौन है यार ये? कामचोर हैं, मेहनत से डर लगता है। हाँ, तू ही बोल ले, एक काम कर, तू ही बोल ले। टीरियन लैनिस्टर के पिता का उन पर दूसरा आरोप है कि वो एक दारूबाज है। सूरज डूबा है यारो, दो घूंट नशे के मारो, रस्ते भुला दो सारे घर बार के। क्या यही हाल है आपके दिल का? तू पागल है क्या? जो बोलता है ना वही होता है। Killed it, nailed it. सब खाना खा के दारू पी के चले गए। चले गए? हाँ, पर आप तो उठने का नाम ही नहीं लेते। आपकी दारू की यही आदत छुड़वाने के लिए आपके पिताजी ने आपकी शादी तक कर दी, वो भी सांसा स्टार्क से। आहा। और बदले में आप उन्हें एक पोता तक नहीं दे पाए,
क्या हुआ? वैसे तो बड़ा सेक्स सेक्स करते रहते थे, यहाँ क्या हो गया? आ गया ना परफॉर्मेंस प्रेशर। अबे ओ, आज भी जाके किसी भी ब्रोथल में मेरा रिकॉर्ड पूछ लेना, सारी औरतें मुझे छोटा पैकेट बड़ा धमाका बुलाती हैं। हाँ वो सांसा के साथ थोड़ा अलग मैटर है, तू मेरे बाप को नहीं जानता था। शायद नहीं जानता था, पर इतना जरूर जानता हूँ कि जिस बाप ने बचपन में आपका हग्गा साफ किया था, आपने हकते वक्त उसे ही साफ कर दिया। कोई करता है ऐसा अपने बुढ़े बाप के साथ? बुढ़ा, वो बुढ़ा, उस बुढ़े की इतनी जवानी फूट रही थी ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। साला अपनी होने वाली बहू के साथ? तू मुंह मत खुलवा यार मेरा। वैसे कौन सा ब्रांड है? थर्चखन। अरे रुको ना यार, अरे हटना यार, क्या कर रहा है? अरे अरे भाई, ये तो ठर्रा है। खैर, माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं। आप अक्सर कहते हैं आई ड्रिंक एंड आई नो थिंग्स, मे आई नो सांसा स्टार्क को नग्नावस्था में कब दिखाया जाएगा? तो भोसड़ी के भाभी है तेरी। देखिए गाली गलौज मत कीजिए, और भाभी है नहीं, थी। इट इज स्टिल माई पर्सनल मैटर। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हमें क्या हक है? हम तो बस टीवी के न्यूज रिपोर्टर हैं। टिरियन लैनिस्टर के पिता का उन पर अगला आरोप है कि वो एक नंबर के लौंडिया बाज हैं। आप रात रात भर पापा को बिना बताए अनजान लड़कियों के साथ उधम काटते रहते हैं। जनता जानना चाहती है ये आप क्या करते रहते हैं। मुझसे पूछते हुए मैं क्या करता रहता हूँ? खुद तो तुम्हारे लिए करता हूँ, कोई शौक नहीं है मुझे। तुम में से आधे से ज्यादा लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन सिर्फ सेक्स सीन देखने के लिए चालू किया था। साला कुत्तों की जिंदगी। फर्स्ट लिसन केयरफुली, आई बिकेम हैंड ऑफ द किंग एंड डिफेंडेड किंग्स लैंडिंग अगेंस्ट स्टैनिस बाराथियंस आर्मी। उसके बाद देन आफ्टर आई वॉज द ओनली वन हु स्लेप्ट किंग जॉफरी। और सो नबी, आई वॉज ऑल्सो नेम्ड एज हैंड ऑफ द क्वीन डेनेरिस टारगेरियन। सालो मुझ पे मेमे बनाते हो, मेमे बनाओ, पर उस पे स्पॉइलर नहीं आना चाहिए। खैर मेरा तो करके हो गया, अब वक्त है चार लोगों के सवालों का। शॉल वाले तू पूछ। टीरियन जी, मेरा सवाल था कि आपने अपने पिताजी के श्राद्ध में ये कौओं को भोग क्यों नहीं लगाया? कम से कम अपने ये थ्री आई ड्रेवन को ही दो रोटी डाल देते। अच्छा, अब मैं उस बुड्ढे के श्राद्ध के लिए भुफे भी लगवाऊं? अबे मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब व्हाइट वॉकर्स आए उसे फिर जिंदा करें, ताकि फिर मैं उसे हकते हुए मारूं। लेनिस्टर भाई साहब, मेरा एक सवाल है, क्या ये बात सच है कि आप अपनी दीदी से उतना प्यार नहीं करते जितने आपके भैया करते हैं? कभी ड्रैगन्स देखे? मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो आपके भाई और बहन में जो चल रहा है ना, ये बड़े बड़े उनके पंख शू शू करके उड़ते हैं। अरे वो जो ब्रांड ने छत्तीसगढ़ जो खाना ना जो करते हुए भोसड़ी के, तेरे को अवॉइड कर रहा हूँ, तेरे को समझ में नहीं आ रही? हमारे पास तीन तीन ड्रैगन है। कितने? तीन। अंधे दो दो ड्रैगन है। सामने आ गए ना, तेरी गांड पड़ जाएगी ब्रो। चिल, पीस आउट। देखिए आपके अपने संस्कार हैं, इनके खैर छोड़िए। इससे पहले लोग और ज्यादा ठरक पर उतर आए, आइए जज साहब से इस केस का फैसला करवा लेते हैं। होडोर प्राजी। होडोर 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 होडोर। अरे यार इनका फिर शुरू हो गया। इब्राहिम, तेरे को कुछ बोलने का है क्या? होडोर, इनके कहने का मतलब है कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारा लिंग काट दिया जाए। ये कब बोला? बोला। होडोर का मतलब होता है काइंडली होल्ड योर डिक। चलिए निकालिए अपना छोटा ड्रैगन। आई विश टू कन्फेस। शाबाश। I am guilty of far more monstrous crime. I am guilty of being a dwarf. I wish I was the monster you think I am. I know I will not get the justice here, and that's why I demand a trial by combat. कुछ समझ में नहीं आया। खैर ऐसी बात है तो ये ही सही।
अहिंसा से नहीं तो हिंसा से ही सही। टीरियन लैनिस्टर से ट्रायल बाय कॉम्बैट में लड़ने के लिए आ रहे हैं द माउंटेन मैन मांझी। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। अबे इसकी तलवार कहाँ है? जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमार, तैयार है? अबे कौन है बे, इसको कहाँ से पकड़ के ला यार? अरे कोई गोरे मंगा यार लड़ने के लिए। बे ए निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। ए दूर हट, तुमको इतना मारेंगे कहा पता कितना मारेंगे, थोड़ा मार के दिखाएं थोर जैसा। अब आगे टीरियन के साथ क्या होगा ये या तो HBO को पता है या रैंसम मांगने वाले हैकर्स को। हमें तो बस इतना पता है कि आने वाले सीजन में भी इसी तरह लोग मरते रहेंगे, लिंक कटते रहेंगे और बबले दिखते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी बाप की अदालत के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वेलार मार्गुलस। इसका मतलब क्या है? हैं? वेलार मार्गुलस। हे गाइस, आई होप आपको बाप की अदालत का ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और GOT में देखता नहीं हूँ क्योंकि जो भी कैरेक्टर अच्छा होता है उसकी जान ले लेते हैं, उसमें खूब मारामारी होती है। तो गाइस बहुत सारी फैन थ्योरीज आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन है असली टारगेरियन? क्या वो जॉन स्नो है, क्या वो जेमी है, क्या वो सर्सी है, या क्या सर्सी? वो टीरियन लैनिस्टर है? जो भी आप बताओ। और आपको पता ही होगा कि स्क्रीन पत्ती हो गया है द स्क्रीन पत्ती, तो द स्क्रीन पत्ती को सब्सक्राइब करो TSP, और सबको बताओ द स्क्रीन पत्ती के बारे में। द स्क्रीन पत्ती।